हमीरपुर डिग्री कॉलेज में गत दिनों परिसर के अंदर हुई मारपीट के बाद माहौल गर्मा गया है। मारपीट को लेकर एसएफआई छात्र संगठन ने एबीवीपी संगठन को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया है और एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। इसी के चलते एसएफआई छात्र संगठन ने आज कॉलेज गेट के बाहर कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपना गुबार निकाला। एसएफआई छात्र संगठन के छात्रों का आरोप है कि कॉलेज प्रशासन एक तरफा कार्रवाई करते हुए एसएफआई के छात्रों को प्रताड़ित कर रहा है। एसएफआई के सचिव रजत कुमार ने आरोप लगाया है कि एबीवीपी के द्वारा झूठे आरोप एसएफआई पर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि कॉलेज प्रशासन को चाहिए कि दोनों पक्षों की बात को सुना जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। धरना हुआ जिसमें हमारी मुख्य मांगे थी, जो भी पिछले एक हफ्ते से लड़ाई चली है कॉलेज में, जो कि एबीपी के छात्र कार्यकर्ताओं द्वारा आम छात्रों पे भी और एसएफआई के कार्यकर्ताओं पे भी लगातार हमले हो रहे हैं। उसमें हमारे कुछ साथियों को लगी भी थी और हमने नीचे कार्रवाई करने के लिए पुलिस स्टेशन में बोला था, लेकिन उन्होंने एक तरफा कार्रवाई की है। उसके लिए हमारी एक नारेबाजी हुई है इधर, और हम मांग करते हैं कि कॉलेज प्रशासन और जो पुलिस प्रशासन है वो मतलब दोनों के पक्षों को देखकर कार्रवाई करें और किसी भी एक छात्र संगठन को मेन पे ना रखा गया था। वो अंदर से बाद में बताया गया था कि वो एसएफआई का, लेकिन जो पहले इनके एबीपी के कार्यकर्ताओं का पकड़ा गया था वो पहले से सुबह से कॉलेज प्रशासन में जो छात्र थे उनके अंदर रोड़े और खुकरियाँ लेकर बैठे थे। हमने कॉलेज सिक्योरिटी गार्ड से बोला था कि इनकी चेकिंग की जाए, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। निष्कासन हुआ, जो छह छात्र थे उनका निष्कासन हो रहे, एक जो था उसको जो ग्रिप के साथ पकड़ा गया था उसका निष्कासन हुआ है एक हफ्ते के लिए, लेकिन उसमें जो है उनके दो कार्यकर्ता जिनको निष्कासित किया गया है और बाकी उनका भी प्रिंसिपल सर ने बताया नहीं है, और बाकी जो एसएफआई के कार्यकर्ता उनको निष्कासित किया गया है। सेंटी ने कहा कि एबीवीपी के कार्यकर्ता गुंडागर्दी पर उतर आए हैं और पिछले एक दिन पहले भी एबीवीपी के छात्रों ने सदस्यों को लेकर लड़ाई की है। उन्होंने कहा कि एबीवीपी के छात्रों को पुलिस और कॉलेज प्रशासन का पूरा साथ मिल रहा है। प्रोटेस्ट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कुछ दिनों से एडमिशन चल रही हैं, फ्रेशर्स आए हैं, तो मेन मोटिव होना चाहिए था कि इनकी क्लास में कौन सी कमी है, क्या चीज़ की कमी है, फैन है, टेबल है, बट ये सब नहीं हो रहा है। यहाँ पे एबीवीपी के कार्यकर्ता गुंडेगर्दी दिखा रहे हैं अपनी, जैसे कि यहाँ पे कुछ दिन पहले एसएफआई के कार्यकर्ता अपनी मेम्बरशिप मतलब सदस्यता कर रहे थे, करते हैं जो भी है, तो उन्होंने इस वजह से लड़ाई हुई थी। इन्होंने ऐसे एक यहाँ पे एक लड़का खड़ा था उसको ऐसे पीट दिया, 10-15 बंदों ने पीटा एक बंदे को, तो ये इंसानियत कहीं की भी नहीं है। तो मैं ये चाहूंगी कि कॉलेज की जो भी है एबीवीपी वालों की गुंडागर्दी बंद हो जाए और जो भी है ठीक हो जाए। और सारे बीजेपी ये आपको पता है इनकी सरकार है तो ये कर रहे हैं अपनी मर्जी से, जो भी है ये पंगे कर रहे हैं, फिर इनको पीछे से पूरी सपोर्ट होती है क्योंकि एसएफआई वालों को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो इसलिए जो ये अपनी गुंडागर्दी दिखा रहे हैं इसलिए एसएफआई चुप है, कुछ नहीं बोल रही है, इन्होंने कुछ नहीं किया है। तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि इनकी गुंडागर्दी और जो भी सरकार इनका साथ दे रही है इनको गलत का साथ नहीं देना चाहिए, जो भी है सच्चाई का साथ दो। कौन दे रहा है साथ, ये तो हमें पता नहीं है, जो भी है इनकी सरकार आई है तो ये मुंह पे बोलते हैं हमारी सरकार है, हम कुछ नहीं, आप लोग कुछ नहीं कर सकते हो। और एक लड़की को इन्होंने धमकी भी दी थी कि हमारे पास हथियार है, बोले तुम लोग कुछ नहीं कर सकते हो, तो ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। मैं सरकार से ये अनुरोध करूंगी कि ये गुंडागर्दी यहाँ पे नहीं चलेगी।